हेलो, आज हम क्लास 12th का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें बताते हैं कि द स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि जो बच्चों हैं उनका जो चाइल्डहुड है वो कैसे गुम हो गया है, खो गया है। तो जो फर्स्ट स्टोरी है वो पढ़ेंगे। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जो कि ऑथर किसने लिखा है, एनिस जंग ने लिखा है। तो ये स्टोरी बिगिनिंग होती है कहाँ से, जहाँ पे एनिस जंग रहती है। तो ये बताते हैं, एनिस जंग पूछे, एनिस जंग आस्क व्हाई डू यू डू दिस साहिब, यानी कि साहिब एक बच्चा है जो क्या करता है, गार्बेज उठाता है, डंप उठाता है। उससे पूछ रही है एनिस जंग कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो बताती है कि जो एनिस जंग बताती है कि जो साहिब है वो क्या करता है, एवरी मॉर्निंग आता है और वो स्क्राउजिंग करता है, यानी कि ढूंढता है, क्या ढूंढता है, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, यानी कि कूड़े से क्या ढूंढता है, पैसे ढूंढता है, जिसको क्या बता रहे हैं, गोल्ड बता रहे हैं। डम्स ऑफ नेबरहुड, यानी कि मेरे आस पड़ोस में जो कौन है, साहिब है, वो क्या करता है, गोल्ड को ढूंढता है, यानी कि पैसों को। फिर बताते हैं कि साहिब क्या है, जहाँ पे जो पहले रहते थे उन्होंने अपना घर छोड़ के आ गए थे। ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। वो अपने ग्रीन फील्ड को छोड़ करके आ गए थे, अपने होम को। वो पहले कहाँ पे रहते थे, ढाका में रहते थे, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट बताते हैं कि नाउ डेज ही लुकिंग फॉर गोल्ड वेयर ही लिव्स आई हैव नथिंग एज टू डू, यानी कि वहां पे ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे आसपास रहता है वहां पे किसका काम करता है, ये सिर्फ गार्बेज से क्या करता है, स्क्राउचिंग करता है और कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। फिर एनिस जंग पूछती है साहेब से कि क्या तुम स्कूल जाते हो, बोल देता है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाता। इसलिए नहीं स्कूल जाता क्यों, क्योंकि मेरे नेबरहुड में कहीं पर भी स्कूल नहीं है, और अगर आप मेरे लिए क्या बना दो, स्कूल बनवा दो, तो मैं कहाँ जाऊँगा, स्कूल जाऊँगा। फिर उसके बाद एक हफ्ते दो हफ्ते बाद, अ फ्यू डेज लेटर, क्या होता है ये बताते हैं, साहेब कम एंड आस्क टू मी इज योर स्कूल रेडी, यानी कि जब साहेब किसको देखता है, एनिस जंग को देखता है, तो उसके पास आकर के पूछता है कि क्या जो आपका जो स्कूल था वो रेडी हो गया। फिर उसके बाद बताते हैं, एनिस जंग बताती है कि जो स्कूल है ना, ये एक लंबा प्रोसेस है और स्कूल को बनने में इतना टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड फील करती है, क्यों, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया था वो क्या हो गया था, झूठा हो गया था। और वो ये भी बताती है कि जो यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वो सभी के सभी सच नहीं होते हैं। मैं पहली बार साहिब से उसका पूरा नाम पूछती हूँ, तो साहिब बताता है कि मेरा नाम क्या है, साहिब ए आलम है। तो वो बताती है कि क्या तुम्हें इसका नाम पता है, इसका मतलब क्या होगा, तो वो बोलता है नहीं मुझे नहीं पता। तो एनिस जंग बताती है कि साहिब ए आलम का मतलब होता है लॉर्ड्स ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का राजा। और ये बिलीव करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई है, किस चीज में, क्यों, क्योंकि जो ब्रह्मांड का राजा है वो क्या कर रहा है, गोल्ड ढूंढ रहा है, समथिंग फॉर किससे, गार्बेज से, यानी कि कूड़े से क्या ढूंढ रहा है, इसलिए बिलीव करना असंभव है, क्योंकि उसका नाम क्या है, साहिब ए आलम। फिर बता देते हैं कि जो साहेब है वो अपनी आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, यानी कि जितने भी उसके जो फ्रेंड हैं, जो बॉयज हैं, उसके साथ जो क्या करते हैं, कूड़ा उठाते हैं या स्क्राउचिंग करते हैं, वो अपीयर लाइक बर्ड्स, यानी कि मॉर्निंग में बर्ड्स की तरह आते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और इवनिंग के समय चले जाते हैं। मैंने उन्हीं में से एक बच्चे से ये पूछा कि आपने ये चप्पलें क्यों नहीं पहनी या जूते क्यों नहीं पहने, तो उनमें से एक बताता है कि जो मेरी जो मदर है उसने क्या नहीं किए, मुझे दिलाए नहीं है। और जब मैं दूसरे से पूछती हूँ जिसने पहने होते हैं और उसके जो शूज होते हैं वो क्या नहीं करते, मैच नहीं करते, मान लो कि एक में काला है तो एक में कौन सा जूता पहन रखा, उसने पीला पहन रखा है, तो वो जूते क्या नहीं करते, मैच नहीं करते। और जब उससे पूछा जाता है तो वो इम्प्रेस फील करता है और नीचे की तरफ देखने लगता है वो बच्चा, ठीक है। थर्ड बॉय सैड नेवर ओवर्ड अ पेयर ऑफ अ लाइफ, बताता है कि मैंने अपने जिंदगी में कभी भी एक पेयर ऑफ शूज क्या नहीं किए, खरीदे नहीं है या पहने नहीं है। नेक्स्ट बताते हैं, इट्स नॉट लैक ऑफ मनी, ये जो बच्चे हैं जो बेयर फुट ऐसे ही नंगे पैरों घूम रहे हैं पूरे वहां पर स्क्राउजिंग करते हुए गार्बेज को, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, बट ट्रेडिशन, ये एक परंपरा है, जो लोग क्या करते हैं, गार्बेज उठाते हैं, वो कैसे चलते हैं, बेयर फुट ही चलते हैं, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ताकि उसको लगे, वो लोगों को लगे कि वो क्या है, बहुत ही ज्यादा गरीब है और पॉवर्टी को वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अ स्टोरी ऑफ उद्यपी,
तभी वो जो ऑथर होती है उसे एक स्टोरी याद आ जाती है, कहाँ की, उद्दीपी की। तो वो बताते हैं कि एक जो फादर होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, जो एक टेम्पल में रहते हैं, उसका जो बेटा होता है वो क्या करता है, रोज स्कूल जाने से पहले टेम्पल के वहां पे खड़ा हो जाता है और प्रार्थना करता है भगवान से कि उसे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। तो वो प्रार्थना करते रहता है। आफ्टर 30 years लेटर गॉड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यानी कि 30 सालों बाद उसकी जो प्रेयर है वो ग्रांटेड हो जाती है और उसे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये कंडीशन बता रहे हैं कि जो रैग पीकर्स है वो कहां पे रहते हैं, सीमापुरी में रहते हैं। और सीमापुरी में कहां पे है, फेर फेरी प्लेस ऑफ दिल्ली लिव्स वो केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, यानी कि सीमापुरी कहां पे है, दिल्ली में है, दिल्ली के अंदर ही सीमापुरी है। और यहां पे अधिकतर लोग कहां के रहने वाले हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, और वो कब आए थे, 1971 में आए थे। अब सीमापुरी की कंडीशन बताते हैं कि भाई क्या कंडीशन है। तो वो बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा मडी एरिया है, बहुत ही ज्यादा क्या है, कीचड़ है, रूफ्स ऑफ टीन यानी कि जो छतें हैं वो किस चीज की है, टीन की है, एंड तारपलिन यानी कि तारपलिन बिछे हुए हैं छतों में, डिवॉर्ड ऑफ स्वेज यानी कि गटर वगैरह खुले हुए हैं, ड्रेनेज है, रनिंग ऑफ वाटर यानी कि चारों तरफ गटर खुले हुए हैं, नालियां खुली हुई हैं और चारों तरफ ही क्या है, पानी ही पानी है, कीचड़ ही कीचड़ है। नेक्स्ट बताया जाता है कि सीमापुरी के अंदर लगभग 10,000 से भी ज्यादा कौन रहते हैं, रैग पीकर्स रहते हैं, मोर देन 30 years यानी कि 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं इनको वहां पे रहते हुए। और उनके पास ना ही कोई विदाउट एनी आइडेंटिटी, विदाउट एनी परमिट्स, ना ही कोई परमिट्स है वहां पे रहने के लिए, ना ही कोई उनके पास आइडेंटिटी है, ना आधार कार्ड है, ना ही कुछ है, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ओनली फॉर राशन कार्ड फॉर बाइंग ग्रेन्स, उनके पास सिर्फ क्या है, राशन कार्ड है, जिससे कि वो क्या कर सके, बाय कर सके अनाज गेहूं, ताकि वो क्या कर सके, सरवाइव कर सके। फिर बताते हैं कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन आइडेंटिटी, यानी कि जो खाना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है किस चीज से, किसी आइडेंटिटी, किसी पहचान से। क्यों, क्योंकि जो खाना है वो इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये बताते हैं कि जो सीमापुरी में जो लोग रहते हैं उनको सर्वाइवल का एक ही मेन जरिया है कि वो क्या करें, रैग पीकिंग करें, और ये उनका बहुत ही ज्यादा फाइन आर्ट है, इनमें ये लोग क्या है, बहुत ही ज्यादा माहिर हैं। सेकंड ये बताते हैं, गार्बेज टू फाइंड गोल्ड इट्स डेली ब्रेड एंड रूफ्स देयर हेड्स, जो गार्बेज है ये जो फाइंड करते हैं गार्बेज से कुछ गोल्ड, कुछ पैसे या जो भी इन्हें मिलता है, वो इनके लिए खाने का एक जरिया है, उससे उन्हें क्या करते हैं, कमाई का जरिया है, जिससे उन्हें ब्रेड मिलती है, ब्रेड का मतलब होता है खाना, एंड रूफ्स देयर हेड्स और छत मिलती है ताकि वो रह सकें। Sometimes find a rupee, even a 10 rupee साहेब आइस लाइट अप एंड फाइंड मोर सिल्वर कॉइन्स, बताते हैं कि जब साहेब को कभी कभी गार्बेज में क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, तो उसकी जो आंखें होती है चमक उठती हैं और वो और भी ज्यादा स्क्राउचिंग करता है किसको, गार्बेज को, ताकि क्या कर सके, और भी ज्यादा पैसे देख सके या मिल सके उसे। अब गार्बेज का मीनिंग क्या है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, तो जो बच्चे हैं वो ये समझते हैं कि चिल्ड्रन रैप इन वंडर, ये एक वंडर की तरह लगता है, एक अजीब तरीके का वंडर लगता है इनको, कि ये बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा खुश हैं और ये अमेजिंग है। सेकंड, पेरेंट्स के लिए क्या है, ये एक सर्वाइवल का एक टेक्निक है, जिससे कि ये क्या करते हैं, सीमापुरी में सर्वाइव करते हैं। अब एक बार ये बताया जाता है कि जब क्या कर रहा होता है साहेब कहीं पे जा रहा होता है, तो वो देखता है कि कुछ टेनिस प्लेयर हैं, वो क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, तो उनमें से एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो क्या करता है, उसके जो शूज होते हैं वो नीचे से फट जाते हैं और उसमें कुछ हॉल सा हो जाता है, वो उसे फेंक देते हैं। तो क्या करता है साहेब, उसको उठा करके पहन लेता है और वो बोलता है साहेब ड्रीम्स कम ट्रू, यानी कि उसका सपना क्या था कि अपनी लाइफ में वो एक टाइम क्या कर सके, एटलीस्ट शूज पहन सके, फटे ही वो क्या हो, भले ही वो क्या हो, फटे हो। नेक्स्ट बताया जाता है कि अब साहेब क्या कर रहा है, साहेब वर्क इन टी स्टॉल, यानी कि साहेब क्या कर रहा है, अब वर्क कर रहा है यानी कि टी स्टॉल, चाय की दुकान में। मॉर्निंग साहेब वे टू मिल्क बूथ एंड स्टील कनिस्टर, साहेब कहाँ जा रहा है, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है और उसके हाथों पे क्या है, स्टील का कनिस्टर है यानी कि चाय की केटली है कह सकते हैं। जो साहेब वहां पे वर्क कर रहा है उसके लिए उसे 800 रुपए मिलते हैं, एंड ऑल माई मील्स, और उसके लिए क्या मिलता है, खाना भी मिलता है उसे खाने के लिए और पैसे भी।
ही लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक. जब वो क्या करता था, गार्बेज को ढूंढता था या स्क्रॉचिंग करता था, भटकता था इधर उधर, तब क्या था, वो केयर फ्री था. अब क्या है, उसका जो केयर फ्री लुक है वो क्या हो गया, गायब हो गया है. क्यों? क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, टी स्टॉल में काम कर रहा है. वो बताता है कि कैनिस्टर हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग, यानी कि जो कूड़ा उठाने की जो बोरी होती थी, जो अपने कंधों पे लाद करके जगह जगह पर कूड़ा बीनता था या गार्बेज उठाता था, उससे स्क्राउजिंग करता था, जो प्लास्टिक बैग है वो उसे हल्का लग रहा है. कैनिस्टर के जो केटली है वो उसे क्या लग रही है, बहुत ही ज्यादा हैवी लग रही है. साहेब नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. अब ये बताया जाता है कि जो साहेब था वो खुद का मास्टर नहीं है. क्यों? क्योंकि वो किसमें ज्यादा परफेक्ट था, वो था गार्बेज को उठाने में, गार्बेज को स्क्राउजिंग करने में, उसमें से पैसे ढूंढने में, और यही उसका एक वंडर का जरिया था. लेकिन अब वो उसका केयर फ्री लुक भी चला गया है और वो अपने काम में अब क्या नहीं रहा है, माहिर नहीं है.